Assalamualaikum friends, welcome to my channel Asma Vlogs। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ईद उजहा मुबारक हो। और ये है अयान की ड्रेस जो अयान आज पहनने वाला है। तो ये वाली ड्रेस जो है मैंने अयान के लिए येलो कलर का कुर्ता सिलवाया था, और ये वाला जो पर्पल कलर का कुर्ता है ये हुमायूं का कुर्ता है, और इसमें जो है ये कली सिलकर आया है, लेकिन इसमें जो है बटन नहीं लगे हुए हैं। अभी देखती हूँ कोई ऐसे बटन अगर से मैच होते हैं तो मैं अभी लगा दूँगी। और यहाँ पर जो है फाइनली अयान ने देखो कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि ये नमाज़ के लिए निकल रहे हैं ना यहाँ से अभी, और सुबह सुबह का टाइम है तो ये लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हुमायूं ने भी अपना कुर्ता पहन लिया है, अयान ने भी पहन लिया है, और मिसबा और हादिया जो है अभी सो रही हैं, मैंने उन्हें अभी नहीं जगाया है, और क्योंकि जो है सुबह सुबह का टाइम है तो ये इतनी जल्दी उठ कर करेंगे भी क्या बच्चे, तो मैंने अभी उनको थोड़ी सी देर सोने देती हूँ। और यहाँ पर जो है हुमायूं और अयान जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, और दोनों बच्चियाँ जो है सो रही थी, तो तब तक मैंने सोचा मैं शीर वगैरह बना लूँ, मतलब नाश्ता वगैरह की तैयार कर लूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना नाश्ता कर कर नहीं गए थे। और यहाँ पर जो है सिवैयाँ निकाली हैं मैंने बनाने के लिए, शीर बनाने के लिए सिवैयाँ निकाली हैं, और ये ड्राई फ्रूट था थोड़ा सा, ये ड्राई फ्रूट काट लिया है मैंने, और दूध भी बॉयल करने रख दिया है, और दूध बॉयल हो गया था यहाँ पर। और उसके बाद जो है मैंने छोलों की सब्ज़ी बनाई है। अच्छा, सब्ज़ी जो है इसलिए बनाई क्योंकि कचौरियाँ मिलती हैं ना, तो सब्ज़ी जो है ना उसके साथ में नहीं मिलती यहाँ पर, तो इसलिए जो है मैंने छोलों की सब्ज़ी बनाई है, इसमें थोड़ा सा ऑयल कम रह गया। और यहाँ जो है फाइनली शीर रेडी हो गई है, और हुमायूं और अयान जो है नमाज़ पढ़कर आ गए थे, और नमाज़ पढ़ने के आने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, उन्होंने कपड़े वपड़े सब उतार दिए, और ये फाइनली जो है हम मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ के जब ये लोग आए तो नाश्ता कर रहे हैं। और मिसबा जो है बिल्कुल अभी जागी है, हादिया भी जाग गई है, तो बस आज नाश्ते में कचौरियाँ लेते हुए आए थे जब ये लोग नमाज़ पढ़ते हुए आए थे, तो कचौरियाँ लेते हुए आए थे, और ये छोलों की सब्ज़ी वही है जो मैंने बनाई थी, और मिसबा बैठी हुई है।